लास्ट वो भी मैंने आपसे शेयर किया था, मैं अपनी ट्रैवल बैग सेट करके आज का दिन कुछ ज़्यादा ही शांत शांत लग रहा है, आलसी वाला फील आ रहा है। जब आलसी वाला फील आता है तो हर एक के अपने अपने फंडे होते हैं। मेरा फंडा है मैं अपना काम निकाल के बैठता हूँ, कुछ जो बैकअप का काम है वो ख़त्म करते बैठता हूँ। अभी भी मैंने मेरी सारी हार्ड डिस्क निकाली है। लास्ट टाइम एक बंदे ने ये सवाल पूछा था कि मैं अपना सारा डेटा कैसे मेंटेन करता हूँ, तो जितने भी व्लॉग्स बनते हैं मैं सारा डेटा अपने पास रखता हूँ, कभी कुछ डिलीट नहीं करता। ये मेरा हार्ड डिस्क नंबर 1 है, या हार्ड डिस्क नंबर 2 या हार्ड डिस्क नंबर 3, और एक हार्ड डिस्क है जो मैंने अंदर रखी है। मेरे पास SSD शायद से नहीं है, हाँ SSD मेरे पास नहीं है। मैं अभी जो कलेक्शन रखूंगा वो SSD का कलेक्शन रखूंगा। SSD थोड़ी महंगी आती है, थोड़ी नहीं डबल प्राइस में आती है। SSD रखने का फ़ायदा ये है, उसका डैमेज का टेंशन नहीं है। ये हार्ड डिस्क अगर आपके हाथ से जोर से गिरा या कहीं डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो, डेटा ट्रांसफ़र करते समय बहुत बार ऐसे होता है। मेरा एक पुराना वाला हार्ड डिस्क है जो ख़राब हुआ, उस टाइम पे मैंने डेटा ट्रांसफ़र करते समय लैपटॉप ऐसे उठा के दूसरे जगह पे रखा था। तो डेटा ट्रांसफ़र करते समय आपको इसे हिलाना नहीं है, और ये सारे पंगे SSD के साथ होते नहीं। SSD में अंदर चिप आती है, तो चिप से सारी चीज़ें मैनेज होती है, जितना मुझे पता है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर दो। इसमें एक अंदर कैसेट रहता है और उस कैसेट में एक रीडर होता है, तो वो रीड करते रहता है। तो वो कैसेट एकदम डेलिकेट वाली चीज़ है, तो वो कैसेट अंदर घूमते रहता है। अगर ऊपर नीचे कुछ हुआ तो वो टूट जाएगा, और वो टूटने के बाद ये हार्ड डिस्क किसी काम का नहीं है। और एक बहम है लोगों में, हार्ड डिस्क से डेटा रिकवर होता है। डेटा रिकवर होगा, लेकिन थोड़ा डेटा रिकवर होगा। जो लेवल से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, जो लेवल से हम लोग उसमें डेटा स्टोर करते हैं, वो लेवल का डेटा रिकवर उसमें नहीं होगा। कुछ दिनों पहले हम लोग काम के लिए बाहर निकलते थे, लाइफ के कुछ मोमेंट शेयर करते थे। अभी थोड़ा अजीब भी लगने लगा है, घर से ही सारे व्लॉग्स बनाओ, घर से ही अपनी स्टोरी शेयर करो। लेकिन एक बात सच बोलता हूँ, मैं बहुत लकी मानता हूँ खुद को। आप लोग जिस लेवल का प्यार देते हो, जिस लेवल का सपोर्ट करते हो, वो ये लेवल का सब्सक्राइबर काउंट वाले व्लॉगर के लिए बहुत बड़ी बात है, और यही अपना मोटिवेशन है। सब लोग बोलते हैं मोटिवेशन कहाँ से लाते हो आप और कहाँ ढूंढते रहते हो। एक तो मैं हमेशा बोलता हूँ, मोटिवेशन अपने घर में रहता है, अपने अंदर रहता है। और दूसरा, अपने काम के प्रति मोटिवेट होना चाहिए। एक सिंगल चीज़ भी अपने सामने आती है तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। मैं और टाइगर बात कर रहे थे, तो टाइगर को मैंने एक कमेंट दिखाया, वो कमेंट से टाइगर बड़ा खुश हुआ। उसके बारे में एक कमेंट था, वो कमेंट से टाइगर बड़ा खुश हुआ, वो मोटिवेट हुआ, वो देख के मुझे अच्छा लगा। क्योंकि बंदा जब मोटिवेट होता है तो उसके दिमाग से खुराफती आइडिया निकलेगा, और खुराफती आइडिया से कुछ ना कुछ बनेगा, प्रोडक्टिव बाहर निकलेगा। और वैसे भी लाइफ में हेट, जेलसी, ये सारी चीज़ों से तो अच्छा क्रिएटिव खुराफती आइडिया बाहर निकले। मातोश्री, आपने खाने के लिए हमारे लिए क्या बनाया आज स्पेशल? नो रिप्लाई। आज मुझे छाछ बनाओ, छाछ। आज मुझे हल्की सी सर्दी फील हो रही है, बहुत दिनों के बाद सर्दी फील कर रहा हूँ। ज़्यादा नहीं है, हल्की सी है। अभी बाहर भी घूम नहीं रहा हूँ, शायद से मुझे डस्ट की एलर्जी। और कल जहाँ पे मैं गया था वहाँ पे मैं कवर बार बार निकाल के डाल रहा था, थोड़ा क्लीन भी किया, तो वो धूल जब नाक में गई तो शायद मुझे सर्दी हुई है, ऐसा मुझे लग रहा है। मम्मी, अगर AC की वजह से हुआ तो भी AC बंद नहीं कर सकते, इतनी गर्मी है, विदाउट AC तो सो ही नहीं पाऊंगा मैं। वैसे भी मुझे आदत है, मैं AC का टेम्परेचर हमेशा 24-25 रखता हूँ, कभी मैंने ऐसे किया नहीं। 18-19 की ज़रूरत कभी आई नहीं है। लास्ट ब्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि लास्ट मोमेंट तक इंस्टाग्राम अकाउंट अभी जाएगा, हमें नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, और ये चीज़ का बहुत बुरा लग रहा था। जैसे मैंने लास्ट ब्लॉग में भी कहा, 2-3 सालों की मेहनत है वो अकाउंट पर। हालांकि 2000 फॉलोअर है, लेकिन 2000 फैमिली मेंबर भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आज वो अकाउंट रिकवर हुआ है। पासवर्ड था वो मैं भूल गया था, मैं फगेट पासवर्ड कर रहा था, तो मुझे मेल आ रहा था इंस्टाग्राम से, लेकिन जब वो मेल ओपन कर रहा था तो कुछ भी सामने ओपन नहीं हो रहा था। तो मुझे लग रहा था फाइनली ये अकाउंट डिलीट होगा। शुक्र है वो अकाउंट रिकवर हुआ, आप लोग की दुआएं काम आई। मैं आपसे पहले रेडी हो गया। मम्मी का सही होता है, अभी जहाँ पे हमें एक्सरसाइज करने जाना है तो वहाँ पे क्राउड आना स्टार्ट होता है। 5:30 या 6 बजे के बाद क्राउड आना स्टार्ट होता है। इतना भी क्राउड नहीं आता कोविड की वजह से, तो हम लोग जल्दी जाते हैं। जो मैंने लास्ट टू लास्ट व्लॉग कहा था कि वहाँ पे क्राउड नहीं है, हम लोग मस्त आराम से घूम रहे, उसका रीज़न है मम्मी। हेलो, 4 महीने के बाद अपने पार्किंग लॉट में ट्यूबलाइट लगने वाली है। वो मेरी गलती क्या हुई थी, मैंने 4 महीने पहले कंप्लेंट डाला था, ऐसे नहीं है कि ये बिल्डर ने ध्यान नहीं दिया। 4 महीने पहले जब मैंने कंप्लेंट डाला था वो गलत कंप्लेंट डाला था, मैंने सब डिटेल डाला था, पार्किंग नंबर डाला था, लेकिन फ्लोर नहीं डाला था। तो पार्किंग बिल्डिंग है 13 फ्लोर की, और हर फ्लोर पर सेम नंबर है, इसलिए वो लोग भी कन्फ्यूज थे। वो लोग ने मुझे रिवर्ट में एक मेल किया था, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। फाइनली वो सब तामझाम छोड़ो, फाइनली अपनी लाइट लग रही है, तो अभी वहाँ पर नाइट में लाइट रहेगी। इतने दिनों के बाद मैं 1-1.5 घंटा सोया हूँ दोपहर में,
मैं दोपहर में कभी इतना सोता नहीं, लेकिन आज मैंने 1.5 घंटे की नींद कम्प्लीट की। उसका रीज़न है मुझे जो सर्दी फील हो रही है उसकी वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा था थोड़ा आराम करना चाहिए। हल्का सा वीकनेस लग रहा था, हल्का सा मतलब 100 में 2%, 100 में 2% व्लॉग बना रहा हूँ, एनर्जी है तो अभी एक्सरसाइज करेंगे तो और एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी है ये बता रहा हूँ मम्मी मैं आपको। क्या बोले मम्मी? कैमरा के सामने से, कैमरा के पीछे मत बोलो मम्मी। एनर्जी तेरे पास हमेशा से ही है। जैसे कैमरा के पीछे नहीं बोलती, कैमरा के सामने, तो सामने आपके भाई की तारीफ हो रही है तो कैमरा के सामने तारीफ होनी चाहिए, कैमरा के पीछे तारीफ नहीं होनी चाहिए। और आज सबसे मजेदार बात, आज मैं एक काम करते करते बचाओ मैं सोया 1.5 घंटा, ये सारा तामझाम मम्मी ने निकाला। अगर मैं जागा होता ना तो ये देखा नहीं जाता, मैं मुझे सर्दी हुई है ये काम मुझे करना पड़ता। तो थैंक यू मम्मी, मैं जब सोया था तब आपने ये काम किया। मम्मी के साथ मस्ती करने में जो मजा है वो अलग ही है। फटाफट एक्सरसाइज कर लेते उसके बाद जाएंगे। रुक रुक मम्मी रुक रुक, चाबी नहीं लिया मैंने। कौन सा चाबी नहीं लिया? वो वाला, वाह। अभी हो जाता उस दिन जैसा मैं घर वाला चाबी अंदर ही भूल गया था। देख सही लिया है ना? लिया तो लिया, अभी लिया। फैन की वजह से मैं गई अंदर। वो मैक्स किधर गया? हाँ मैक्स उधर है। उधर नहीं नहीं वो मजाक करती है, वो उस दिन होगा। अच्छा आपका नाम क्या है? उस दिन मुझे बताया था आपने, मैं भूल गया। क्या नाम है आपका? अंशिका। हाँ पर आपने हाथ में कैमरा ये क्यों पकड़ा? वो ऐसे अच्छा लगता है मुझे पकड़ने के लिए, अच्छा लगता है ना। बच्चे लोग भी इतने स्मार्ट है, हाथ में कैमरा पकड़ा है। बच्चे लोग को 2 मिनट में समझ में आता है ये हाथ में कैमरा पकड़ के कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मैंने जो आपको लास्ट व्लॉग में कहा था ये मंदिर वाला एरिया अभी क्लोज है, मैं जाते समय आपको वो मंदिर वाला एरिया दिखाता हूँ, लेकिन उसे खुलने में अभी टाइम लगेगा। बहुत लोग बोल रहे थे कि कम से कम आप हमें नज़दीक से वो एरिया दिखाओ। मम्मी की और मेरी बहस चलू थी, हम लोग जल्दी है लेट है, मैं बोल रहा था हम लोग टाइम पे है, मम्मी बोल रही है लेट है, सच में लेट है। यहाँ पे धूप रहती है, एक शेड बनती है यहाँ पे, मैंने लास्ट व्लॉग में आपको शेड दिखाया था कि एक अच्छी शेड रहती है यहाँ पे, वो आज शेड नहीं है, मतलब हम लोग लेट है। मम्मी आगे आगे भाग रही है, अभी थोड़ी सब्जी लेके आना है, हेल्प करना पड़ता है। हीरो नाइन के बारे में एक चीज़ लगती है, हीरो नाइन जो फुटेज देता है वो बहुत स्मूथ है। सोसाइटी में ये चीज़ मस्त की है, यहाँ का डोर निकाल के रख दिया, तो डोर को हाथ लगा उससे बेटर है। जो लोग नए हैं उनको पता नहीं होगा, मेरी मम्मी स्कूल टीचर है, तो मम्मी को ये चीज़ का बहुत बुरा लग रहा है। जो भी स्कूल बस है उनकी हालत देखो, बहुत गंदी हुई है। ये सामने भी कुछ स्कूल बस है। अपना प्रोफेशन है, अपने अपने प्रोफेशन पे प्यार नहीं होगा तो मज़ा नहीं है। फाइनली अपने पार्किंग में लाइट लगी, अभी टेंशन नहीं। लास्ट वीक में मैंने आपसे शेयर किया था मैं अपनी ट्रैवल बैग सेट करके मुंबई के लिए भी यूज़ करनी है जब मैं यहाँ वहाँ घूमते रहता हूँ, तो अगर मेरा सारा सामान एक जगह पर रहेगा। लास्ट टाइम मुझे एक प्रॉब्लम हुआ था, उसकी वजह से मेरे दिमाग में ये चीज़ आई। मैं यहाँ से दादर गया था और अचानक मेरा प्लान बन रहा था कि अभी ठाणे रिटर्न जाने के लिए लेट होगा तो हम लोग दादर में ही रुकते हैं, तो वो टाइम पर मेरे पास लैपटॉप नहीं था, मुझे सेपरेट लैपटॉप की बैग कैरी करनी पड़ती है, मुझे कैमरा अलग से कैरी करना पड़ता है, गोप्रो अलग से कैरी करो, तो ये 10 बैग एक साथ लेके जाने से अच्छा एक ही बैग में अगर सारा सेटअप आ रहा है तो ये बैग में क्यों यूज़ करो। और प्रैक्टिकली ये बैग मैंने 1.5 साल पहले लिया था और 1.5 साल से ये बैग को मैंने इतना कम यूज़ किया, जितनी भी आज तक चीज़ें ली है ये ऐसी चीज़ें जो सबसे कम यूज़ हुई है, ली थी सबसे ज़्यादा यूज़ करने के लिए और सबसे कम ये यूज़ हुई है। ये ब्रांड का नाम है लोप्रो, आप यहाँ पे देख सकते हो। कितने में ली थी मुझे कुछ याद नहीं, आई थिंक 10,000 या 11,000 की बैग रहेगी। इसे पीछे से ऐसे ओपन करो। ये लास्ट टाइम विनीत ने मुझे सेट करके दिया था, जैसे वो टाइम पे मेरे पास कैनन 80D था और ड्रोन भी मैं मैविक एयर यूज़ करता था, तो वो टाइम पे विनीत ने उसके हिसाब से थोड़ा सेट करके रखा था, तो फिर मैं यहाँ पे सारी चीज़ें रख पाऊँ। अभी मुझे फिर से इसे ठीक से लगाना पड़ेगा। एक चीज़ है मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, यहाँ पे पॉकेट्स बहुत सारे हैं, यहाँ पे हम लोग लैपटॉप रख सकते हैं, यहाँ पे मेमोरी कार्ड के लिए भी छोटी छोटी जगह है, कैमरा रख सकता हूँ, स्पेशली कैमरा बैग है लेकिन कैमरा रख सकता हूँ, ड्रोन रख सकता हूँ, लैपटॉप रह जाएगा,
हार्ड डिस्क वगैरह छोटे छोटे चीज़ें रह जाएगी, वायर्स सारी रह जाएगी इसमें। यही रीज़न है इसीलिए ये बैग मुझे मुंबई में यूज़ करनी है। सारा ताम जमे की बैग में डालो, बाहर निकलो। ये मुझे बहुत पहले यूज़ करना चाहिए था लेकिन अभी भी दिमाग में आया। अब जितने भी मुझे DM कर रहे हो राइडिंग पैंट के लिए, राइडिंग जैकेट के लिए, ग्लव्स के लिए, राइडिंग बूट के लिए, अगर आप चाहते हो हेलमेट के लिए, अगर आप चाहते हो तो मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ। अभी लॉकडाउन है तो वैसे भी घर वाले वीडियोज़ चालू है तो मैं उसमें वो कंटेंट ऐड कर सकता हूँ। मुझे ये वीडियो के नीचे आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वैसे वाले वीडियोज़ चाहिए क्या। अगर चाहिए तो मैं प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन तो आपको ज़्यादा दे नहीं पाऊंगा बिकॉज मुझे भी इतना पता नहीं है। मैं जस्ट आपको ये बता सकता हूँ कि मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ। तो बस गाइस आज के व्लॉग में हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। आई होप कि आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आज का व्लॉग पसंद आ रहा है, हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो ही हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।